नवरात्रि में कालका देवी मंदिर में है हम दिल्ली के, और कहते हैं कि यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनोकामना पूरा करना माँ की जिम्मेदारी है, और उसके बाद अगर किसी भक्त मनोकामना पूरी हो जाती है तो भी डाउन टू अर्थ बने रहना, यहाँ आकर सेवा करते रहना उस भक्त की जिम्मेदारी है। ऐसे ही एक भक्त दीपक भारद्वाज हमारे साथ में है, और दीपक को आप यहाँ पर लगातार सेवा करते हुए देखेंगे, माँ की सेवा करते हुए देखेंगे, मंदिर प्रांगण की सेवा करते हुए देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि दीपक पेशे से एक जनरल सर्जन है और यूपीएससी के क्लास 1 अफसर भी। दीपक, इतनी ऊंचाइयों तक आप पहुंच गए हैं, वो क्या बात है जो आपको अभी इस मंदिर में लेकर आती है? आपको जैसे पता होगा, आई एम अ प्रीस्ट ऑफ दिस टेम्पल, हम यहाँ के पुजारी हैं, और बाय प्रोफेशन आई एम अ जनरल सर्जन इन लोकनायक हॉस्पिटल एंड मौलाना साहब मेडिकल कॉलेज। ये हमारी जो फैमिली है काफ़ी सालों से, मींस जो इतिहास है इस मंदिर का, जैसे आपको पता होगा यहाँ पे कृष्ण भगवान ने और पांडवों ने आके पूजा की थी और इस मंदिर की स्थापना की थी, तभी से हम ये सारी स्टोरी सुनते आ रहे हैं और अपने रिचुअल्स एंड जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो बचपन से ही हम यहाँ पे पले बड़े हुए हैं, यहीं पे हमने सब कुछ सीखा है, और आज हम माई की सेवा में। मनोकामना सिद्धा पीठ कहते हैं इसे, कि जो मांगो वो पूरा होता है। तो बचपन से आज आप जो भी हो, जनरल सर्जन हो, यही मांगा था सब पूरा हो। एक होता है, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा पढ़े बन के डॉक्टर इंजीनियर, यही सबके सपने होते हैं। तो मेरा शुरू से ही मेडिकल लाइन में ही इंटरेस्ट था, तो उसके बाद जब मैंने MBBS किया फिर मेरा सपना था कि मैं सर्जन बन जाऊँ। सर्जन बनने के बाद फिर मैं चाहता था कि किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कि मैं इस टीचिंग फैकल्टी और इस प्रोफेशन में आऊँ। तो जब सब कुछ वो आपको अचीव होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है कि जब हम यहाँ पे सेवा करते हैं और सेम वहीं पे जाके हम मरीजों को देखते हैं, उनका ऑपरेशन करते हैं, उनको ठीक करके घर भेजते हैं, तो सेम उसी की प्रति भावना आती है कि जो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं वही काम हम वहाँ पर कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा, सब बोलते हैं कि जो डॉक्टर होता है भगवान का रूप होता है, तो यही सब कहते हैं कि एक जनरल सर्जन का रूटीन बहुत डिफरेंट होता है। आप डॉक्टर हो, शायद सुबह जल्दी अस्पताल पहुंचना होता होगा, यहाँ एक पुजारी का रूटीन बिल्कुल अलग होता है। उन दोनों रूटीन में फर्क क्या है और कैसे रूटीन चलता है? बस ये है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पुजारी फैमिली है वो 300-400 पुजारी फैमिली है। यहाँ पर वी आर नॉट परमानेंटली प्रेजेंट फॉर 365 डेज, वी कम, हम यहाँ पर आते हैं एक महीने के लिए। तो जैसे अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो अभी नवरात्रों के लिए तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ी है, बट जब नवरात्रि नहीं होती, जो हमारा नॉर्मल रूटीन होता है, जैसे सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक हम वहाँ पे ओपीडी करते हैं, ओटी करते हैं, मरीजों को देखते हैं, फिर शाम को हम वापस यहीं पर आ जाते हैं, तो थोड़ा हेक्टिक रहता है बट मैनेज हो जाता है। मंदिर का रूटीन कैसा है? मंदिर का रूटीन ये ऐसा रहता है कि यहाँ पे जब नवरात्रे होते हैं तब तो मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, तब तो पूरे टाइम हमें मैनेज, आपको पता होगा जैसे मेरा ये गला भी बैठा हुआ है चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि भीड़ों को और उसको संभालना होता है। तो बस यही है, बचपन से करते हुए आए हैं तो हम बहुत यूज टू हैं इन सब चीज़ों के। आगे और तरक्की मिलेगी आपको, तरक्की के साथ आगे बढ़ जाएंगे या फिर ये तो दरबार पकड़े ही रहेंगे? नहीं, बस आई होप कि माता रानी हमें ऐसी सेवा में अपनी में हमेशा मौजूद रखे, और जो ये सारा रहेगा अपना, हम वैसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे आगे भी। यही भक्ति है कि आप जमीन से आसमान तक भी पहुंच जाओ, लेकिन माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप मंदिर आते रहें, और शायद यही भक्ति की भावना दीपक के अंदर है तो वो आज तक भूले नहीं है। कैमरामैन चैलेंज के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली, आज तक।